हेलो फ्रेंड, मार्केट वाली नमकीन बनाएंगे घर पे, घर की चीज़ों से बनाएंगे और उससे भी अच्छे टेस्ट में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखने में तो टेस्टी लग रहा है ना, उतना ही सिंपल है बनाना। इसको बनाने के लिए हमने लिया है पोहा। पोहे को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, साथ में मूँगफली, नारियल, चना दाल और कढ़ी पत्ता, किशमिश, बादाम और थोड़े से काजू। इस नमकीन को बनाएंगे सरसों ऑयल में। कढ़ाई में रख दी हूँ गैस पे, ऑयल इसमें डाल दी थी। ऑयल गर्म है, फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। अब लेंगे छन्नी और बाउल में थोड़ा थोड़ा पोहा और ऑयल में डीप फ्राई कर देंगे। आप देखिए तो ऑयल बहुत गर्म है, पोहा तुरंत से फ्राई हो गया। देखें, ऑयल को थोड़ा सा छान लेंगे कि ऑयल निकल जाए छन्नी से। उसके बाद थाली में पोहे को निकालते जाएँ। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पोहा ले करके इसको डीप फ्राई कर लेंगे और छानने के बाद थोड़ा सा ऑयल को छान देंगे ताकि ऑयल निकल जाए। उसके बाद थाली में गिराते जाएंगे। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पोहे को हमने छान लिया है। ऐसे ही क्या करेंगे, मूंगफली को भी डीप फ्राई कर लेंगे। मूंगफली बहुत तेज़ी से फ्राई हो जाएगा। इसको निकालिए पोहे में। चना दाल इसको भी डिप करेंगे ऑयल में, ये भी फ्राई हो गया। इसको भी निकाल देंगे पोहे में। अब नारियल, नारियल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है। और निकाल लिया इसको भी। किशमिश, किशमिश फूल गया तो भून गया। देखें, पोहे में इसको निकाल लेते हैं, फ्राई हो गया है। काजू, काजू में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है नहीं तो जल जाएगा तुरंत। ऑयल बहुत गर्म है अभी। काजू हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं पोहे में। ऑयल को छान लेंगे कि ऑयल निकल जाए। बादाम, इसको भी डिप कर लेते हैं ऑयल में। बादाम भी हमारा तैयार हो गया है। देखें, ऑयल को छान लेंगे, इसको भी निकाल देंगे पोहे में। अब लास्ट में लेंगे कढ़ी पत्ता, बहुत गर्म ऑयल है। देखिए कढ़ी पत्ता भी डीप फ्राई हो गया है अच्छे से, इसको भी निकाल देंगे पोहे में। हमने वीडियो को अभी तेज किया था, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। सारी चीज़ों को पोहे में निकाल लिया हमने। अब स्पाइसेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है लहसुन 1 गांठ और कुछ हरी मिर्ची। आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से हरी मिर्ची लें। और इसका हमने पेस्ट तैयार किया है, दरदरा, बारीक नहीं किया है, दरदरा। 1 स्पून हल्दी, चाट मसाला और छोटे स्पून से 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून पाउडर शुगर। पैन रख दिया हमने गैस पे, उसमें ऑयल डाल दिया वहीं वाला जो फ्राई की थी, सरसों ऑयल और जीरा इसमें डालेंगे। ऑयल गरम है, जीरा को चटक जाने देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून से 1 स्पून हल्दी पाउडर था। इसको चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम की हूँ और इसके साथ डाल देंगे लहसुन मिर्चा का पेस्ट। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। लहसुन मिर्चा बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक इसको भूनेंगे। फ्लेम को हाई कर दी हूँ और इसको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे ताकि पैन में जले नहीं एक जगह, बराबर चलाते रहेंगे। देखें तो आप, कलर इसका चेंज हो गया है और लहसुन मिर्चा बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है। तब गैस को कर देंगे बंद और इसको डाल देंगे पोहे के अंदर। इससे नमकीन में बहुत अच्छी टेस्ट आएगी, बिल्कुल चटपटा हो जाएगा। इसके साथ डाल देंगे चाट मसाला, 1 स्पून चाट मसाला था हमारा, 1/2 स्पून पाउडर शुगर। इससे क्या होगा ना,
नमकीन में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। स्वाद अनुसार नमक स्पून की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है और गर्म गर्म ही इसको मिक्स करना है। मसाले में थोड़ा सा जो ऑयल आया है इससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा नमकीन में। आप देखें तो इसका कलर चेंज हो गया, कितना टेस्टी दिख रहा है, उतना ही टेस्टी खाने में भी है। और घर की चीज़ों से बना है, घर पे आप बना सकते हो, तो इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।